बाजी सत श्रीकाल। सत श्री अकाल जी, क्या हाल चाल है सर? बस ठीक है सर जी, थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया पाजी। हाँ जी सर, थैंक यू जी। पाजी एक तो सबसे पहले सरदार जी जो है वो डोसा बना रहे हैं, ये देख के ना मैं बहुत खुश हुआ। तो सरदार जी, डोसा बनाने का सोचा कैसे आपने? मन में जागी ही तो मन्ना सर की अपना काम किया जावे जी, परमात्मा साउथ इंडियन वाली लाया जी। अरे वाह, तो मन में जागी तमन्ना और सरदार जी साउथ इंडिया की तरफ बढ़े और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया डोसा जो है वो बनाते हैं। सरदार जी जरा बताइए अपने बारे में, इसके पहले आप क्या करते थे? तो पहले सर मैं ऑर्केस्ट्रा का काम करता सर जी। अच्छा जी सर, 12-13 साल ऑर्केस्ट्रा का काम किया जी। अच्छा जी सर, भंगड़ा प्ले करता सी सर। अच्छा, भंगड़ा भी करते थे और ऑर्केस्ट्रा भी प्ले करते थे? हाँ जी सर, ऑर्केस्ट्रा ही करता सी, भंगड़ा प्ले करता सी ऑर्केस्ट्रा जी। हाँ जी सर, काम तो छड़ना पैना सी, वो सर छड़ के फिर उम्र के हिसाब ना सर फिर इस लाइन से आए जी। अच्छा जी, और सरदार जी फिर उसके बाद इस काम में कैसे आना हुआ? बस सर काम थोड़ा ठंडा हो गया सी सर जी। अच्छा जी, तो सर फिर चलता नहीं सर, घर बार इतना चलता नहीं जी जी, फिर सर इस करके फिर अपना ही फोन आ जाएगा जी काम कर जी। मतलब कोविड में जो इवेंट्स कम हुए? हाँ जी हाँ जी सर, तो तब आपका काम जो है वो थोड़ा कम हो गया? हाँ जी हाँ जी सर जी। तो फिर खाने का सोचा आपने, खाना बनाने? बिल्कुल बिल्कुल सर जी। सरदार जी एक चीज सच सच बताना, खाना खाने का शौक है, खाना खिलाने का शौक है? सर खाने का भी शौक है जी, खिलाने का भी शौक है जी। तो खिलाने का शौक और खाने का शौक दोनों है, इसलिए सरदार जी खाने के काम में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। पाजी मुझे एक चीज बताओ जो मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा कि पाजी अपनी इतनी सारी बढ़िया बढ़िया डिशेज है, कुलचे हो गए, पराठे हो गए, उसके साथ छोले भटूरे हो गए, पूड़ियां हो गई, तो अब डोसा की तरफ कैसे बढ़े? बस सर एक मान जी तमन्ना ही जी अपने नाले सर, अपने एरिया है भी नहीं कोई डोसे वाला जी। अच्छा जी, इसलिए सर डोसे का सोचा कि साउथ इंडियन वाली हो जाए सर। हाँ जी हाँ जी। तो बेसिकली यहाँ पे आसपास कोई साउथ इंडियन अच्छा बनाने वाले नहीं थे, तो आपने सोचा कि लोगों को अच्छा साउथ इंडियन खिलाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल सर जी। पाजी इसकी फिर ट्रेनिंग कैसे ली आपने? सर साढ़े गुरु जी है जी, सर साउथ दे ही है, नेहा दीदी गुरु जी साढ़े है जी, उन्होंने को सर ट्रेनिंग ली जी। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी सर जी। सर इन्होंने सीखने सर मैं महीना खिलाया जी, तो उन्होंने सर ऐ ट्रेन करके दे दिया जी। अच्छा, एक महीने में? हाँ जी हाँ जी सर जी। क्या बात है भाभी। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। और भाभी जी इसके पहले सरदार जी बनाते थे कुछ घर पे? कभी भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे आके बनाना शुरू किया और एक महीने में ट्रेंड हो गए? क्या बात है पाजी। खाने का शौक और मतलब यहाँ की ट्रेनिंग, और पाजी देखो एकदम परफेक्ट डोसास बना रहे हैं। भाभी जी हैं वो आपके साथ कैसे हेल्प कराते हैं इसमें? सर इस सर सोसेस बना देंगे जी, सांबर सुंबर बना देंगे जी सर, बैटर बुटर मैं बना लेना खुद जी। अच्छा जी। हाँ जी सर, मसाले की पीठी बना देंगे सर जी। जी जी जी। हाँ जी हाँ जी सर जी। जो हेल्पिंग हैंड है वो भाभी जी का है? बिल्कुल बिल्कुल सर। और भाभी जी इसके पहले हाउसवाइफ थे? हाँ जी हाँ जी सर, हाउसवाइफ। वाह जी वाह। तो यहाँ देखो सरदार जी जो हैं वो बहुत ही बढ़िया डोसास बना के तैयार कर बैठे ऑलमोस्ट। सरदार जी इसमें बताइए क्या क्या है डोसे के अंदर? सबसे पहले तो बैटर है, दाल और चावल का है? सर हाँ जी सर, दाल चावल है जी, चने की दाल है सर जी। जी सर, सूजी है जी। जी जी जी। हाँ जी हाँ जी सर जी। और इसके ऊपर आपने स्टफिंग में आलू लगाए सर? सर आलू जी, आलू है जी सर, मसाले पड़ते हैं जी, आलू का मसाला बनाने में जी। और एक आपने ऊपर से जो कड़ी सी डाली थी वो क्या चीज थी सर? सर वो है टोमेटो जिंजर की पेस्ट है सर जी। टोमेटो और जिंजर की पेस्ट जी सर, दिखाएंगे सर एक बार? लो सर जी। ये देखो जी, ये टमेटो, अच्छा ये डाल के दिखा रहे हैं, वाह वाह वाह। ये देखो जी, ये टमेटो और जिंजर की पेस्ट है, और मुझे लग रहा है सरदार जी यही आपका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी वजह से लोग भागे चले आते हैं। बिल्कुल सर जी। और उसके बाद आपने ऊपर प्याज डाला और टमाटर डाले और मटर डाले, और उस तरफ जो है आप पनीर वाला डोसा बना रहे हैं? बिल्कुल सर जी। बहुत बढ़िया, तो नेहा जी ने आपको सिखाया और अब सरदार जी जो है जलंधर के डोसा किंग बन गए। ये बेसिक मसाला डोसा है जी, और इसको अभी रोल करके एकदम करारा भाई। और देखो मक्खन या ऊपर क्रीम ऐसे हैवी कुछ लग ही नहीं रहा है जैसा। सरदार जी आपका बैटर ऐसा है कि सारा मक्खन चूस गया है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर जी। बहुत बढ़िया, और ये मसाला डोसा आ गया, और इधर से आएगा जी ये पनीर वाला डोसा। सर पनीर मसाला डोसा जी, पनीर मसाला डोसा। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। बहुत बढ़िया, इसमें नारियल की चटनी जी और टमाटर और जिंजर की, टमाटर और जिंजर की, ये वही वाली चटनी मैम जो तड़का आप लगाते हैं। और इसके साथ ये आ गया जी सांबर। ओहो हो, और मैम ये आप खुद बनाते हैं? हाँ जी सर। अच्छा, सांबर आप खुद बनाते हैं? हाँ जी। अरे वाह, तो भाभी जी जो हैं वो सांबर और चटनियाँ बनाने में हेल्प करते हैं, और हमारे पाजी जो हैं वो बनाते हैं जी डोसे का बैटर और साथ में जो अंदर जाता है सामान। और मैम सरदार जी घर पे भी बनाते हैं आपको? हाँ कुछ सर। क्या बना के खिलाते हैं? डोसा बनाते हैं, इडली बनाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। अच्छा, क्या बात है। तो सरदार जी अब तो आपके फुल नंबर हो गए। देखो भांगड़ा में भी सरदार जी फिट और डोसा बनाने में भी। तो देखो जी कितना प्यारा सा कपल है जो यहाँ पे हमें जलंधर में बहुत ही बढ़िया डोसा बनाते हुए मिले, और मसाला डोसा, पनीर मसाला डोसा। और सरदार जी और क्या, भाभी जी आप ही बता दीजिए क्या क्या होता है अपने पास? और इडली, वड़ा और डोसा। इडली, वड़ा और डोसा। भाभी जी अगर किसी को यहाँ पे आना हो तो लोकेशन क्या है जी? प्रीत नगर, सोडल रोड, कालड़ा डॉक्टर जी,
नियर जेवर्स पैलेस। टाइमिंग्स क्या है यहाँ पे? 5 बजे हम घर से आ जाते हैं, 5:30 हमें सेटिंग करने को लग जाती है। यहाँ पे सेटिंग करने को मतलब आपको थोड़ा टाइम लगता है, तो 6 बजे रेडी मिलेगा? 5:30 रेडी। ये बनने वाला है सरदार जी का स्पेशल मसाला डोसा। तो सबसे पहले तो तवा जो है अच्छे से क्लीन कर लिया सरदार जी ने, तो इसके ऊपर प्रैक्टिस करके फिर जब भाभी जी को आपने वो फर्स्ट वाले डोसे खिलाए तो उनको पसंद आए थे? मैं कहा था जी पहला हफ्ता करे खाते जी, बच्चा ने खवाया आंड गवांड खवाया जी सर। अच्छा, हां जी जी सर, पहला हफ्ता तो आपके मोहल्ले की मौज लग गई होगी। हां जी हां जी सर जी, क्या बात है। ये देखो बैटर जो है, ये चने की दाल का बैटर है सर? सर चने की दाल है, चावल है जी, माँ जी माँ की दाल, माँ की दाल और साथ में चावल, इसका बैटर है। हाँ जी, हाँ जी सर। इसके ऊपर ना मक्खन क्रीम बहुत कम रहता है, मतलब एकदम हेल्दी तरीके का डोसा है। और ये ऊपर से पाजी, मैंने मक्खन की बात करी, आप आ गए मक्खन लेके। ये देखो जी आ गया, आलू की एक स्टफिंग है सर, इसमें भी बता दीजिए क्या क्या डाला हुआ आपने? सर जो आलू बॉयल किए, आलू का था जी। जी सर, मसाले है जी, नमक मिर्चा है सर, धनिया पाउडर है जी। अच्छा जी, सर मसाले है जी। जी हाँ जी सर जी। ये सर आ गई टोमेटो जिंजर जी पेस्ट है। ये वही जिंजर टोमेटो की पेस्ट है जो कि भाई साहब यहाँ का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। और ये देखो आलू खींच के भाई एकदम फ्लैटन, एकदम उसके ऊपर पेस्ट कर देने हैं। ये प्याज आ गया, टमाटर आ गया जी। जी ये टमाटर आ गए, मटर आ गए जी। ये ऊपर से आ गए जी मटर। और ये देखो भाई साहब, ये डोसास जो हैं ये रोल हो चुके हैं और बहुत ही बढ़िया इनका अरोमा आ रहा है, खतरनाक वाला। भाई साहब ये है आज का हमारा स्वाद बटांदरा। सबसे पहले तो ये है जी पनीर मसाला डोसा, और साथ में है जी ये बढ़िया सांभर, एकदम गाढ़ा गाढ़ा सांभर। और चटनियां जो है ये डिपार्टमेंट भाभी जी संभालते हैं, और डोसा जो है ये डिपार्टमेंट पाजी संभालते हैं। तो यहाँ से एक बाइट बनाते हैं जी, हम ये बनाते हैं जी इस तरफ से बाइट। वैसे मेरा फेवरेट पार्ट ये वाला होता है, स्टफिंग वाला पार्ट मुझे ज़्यादा नहीं पसंद, बट आप सब लोगों के लिए, मेरे परिवार वालों के लिए ये है जी एक बाइट। सो ये बाइट लेने के लिए सबसे पहले तो हमने ये तोड़ा, ये डिप करीजिए अच्छे से, ये है ना कुछ, है ना कुछ भाई। एक मिनट, चटनी का मज़ा आप ये देखो है जी। साथ में थोड़ी सी ये भी लगाई लेते हैं, लगे हाथ, और ये फोकस करते 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 हम जा रहे हैं जी टुवर्ड्स द सांभर। सांभर डिप हो गया अच्छे से, एंड हियर गोस। जो उसका बैटर है ना डोसे का, इतना सुपर्ब है, इतना सुपर्ब है, मजेदार यार। एक बाइट और फटाफट से मैं ले ही रहता हूँ। इतना सुंदर बैटर है, ब्यूटीफुल बैटर है, मतलब मनमोहक, सुंदर और अविश्वसनीय। अनप्रेडिक्टेबल नहीं, अविश्वसनीय क्या होता है हिंदी में, वो वाला मतलब, ये इंग्लिश में ये वो वाला है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो ये वाला जो पनीर मसाला डोसा ये जरूर ट्राई करना। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जिंदाबाद है साडी हरियाणा, तो जौंदा आजाद है वादा रहे साडा पंजाब, नारे साडा हिंदुस्तान, जय हिंद। और अगर आप देखना चाहते हो ऐसी ही एक ज़बरदस्त वीडियो अबाउट अ सरदार जी, जिन्होंने भाई साहब डोसा बेचना शुरू किया और वो आगरा से आए सीधा पंजाब, तो भाई ये देखो।